इनका चालान करिए, बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं। चालान करवाओ, चालान आप चालान कराइए और जाइए। हंगामे की जो ये तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं, इसे देखकर आपको हैरानी जरूर हो रही होगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक पुलिसकर्मी को सरेआम पब्लिक से इस तरह माफी मांगनी पड़ रही है और हाथ जोड़कर एक इंस्पेक्टर खड़ा हुआ है। चलिए पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। यूं तो पुलिस लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस चेक करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में बात उल्टी पड़ गई। यहां लोगों ने एक पुलिसकर्मी का ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर लिया, जिसके बाद तो पुलिस इंस्पेक्टर को ही लोगों से माफी मांगनी पड़ गई। यूपी 61 BC 59 48, इन्होंने मेरी अभी गाड़ी बैक करके दो बार ठोकी है भाई साहब। एक कल्याणपुर थाने के पास है और इनका नाम GS यादव है और इनके पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी चला रहे हैं। अभी इस मामले में हम लोगों का चालान कर देते हैं लोग, और ये लोग एक बात नहीं सुनते हम लोगों की। इनका चालान करिए, बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं। चालान करवाओ, चालान आप चालान कराइए और जाइए। मैं नहीं सुनूंगा, कोई व्यवहार नहीं है ऐसा। ये पुलिस लिखा रखा है, आप ये प्राइवेट व्हीकल पर आप पुलिस नहीं लिखा सकते हैं। ये प्राइवेट व्हीकल है, आप इस पर पुलिस लिखा के नहीं घूम सकते हैं। आप या तो दिखाइए हमें कागज की, इसके कागज आपके बने हुए हैं नहीं तो आपने इसे पुलिस कैसे लिखाया है? मुझे आप कागज दिखाइए, सरकारी है, आप कागज दिखाइए। इनका भैया चालान करिए, बढ़िया। मैं मेरे भैया चालान है, मैं छुड़ाता हूँ चालान के चेहरी से। आपका वैसे कैसे छोड़? 5,000 का आम आदमी इतने खड़े हैं, अगर कोई भी मोटरसाइकिल लेके आ जाता है तो उसका चालान होता है 5,000 का। तो इस गाड़ी का गलत कर रहा हूँ मैं, बात मान जाओ यार। आप हमको मत बताइए, गरीब आदमी खड़े हैं, हम कैसे मान लेते हैं? हम यहाँ 24 घंटे मेरी बीजी चलती है। इसका भैया चालान होगा, बिना चालान हुए नहीं जाएगा, इनके पास लाइसेंस नहीं है, अवेलेबल है। रुकिए, हाँ मैंने सुन ली सर, मैं आपसे खुद क्षमा मांगता हूँ। मैंने आपसे मिसबिहेव किया, मैंने आपको गाड़ी बैक कराई, ये मेरा मिसबिहेव है, मैं मानता हूँ। पर इसका चालान होगा, आपने जो लाइसेंस नहीं ले रखा है आइंदा से लेके चलेंगे। अरे सरकारी है, आप इसका कागज दिखाइए मुझे। सरकारी है, आप इसका कागज रजिस्टर दिखाइए। चालान करोगे? करवाऊंगा, बिना करवाए नहीं जाने दूंगा, अन्यथा मैं करवाई खुद करूंगा। अरे यार भाई मेरे मान जाओ। नहीं आप लोग मानते नहीं, आप लोग मेरी मानते हैं, आप लोग हम लोग मानते हैं, हम लोग को पागल समझ में आते हैं आप लोग। क्षमा मांग रहा है, ये मत करिए, मुझे शर्मिंदा ना करिए। हमारा भी लड़का, मुझे शर्मिंदा मत करिए भैया, हमको शर्मिंदा ना करें, हम मानेंगे नहीं कोई बात। अरे यार एक मिनट मान जाओ मेरे भाई, आप लोग नहीं मानते। इसके बाद वहां मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल कमलजीत ने इंस्पेक्टर के पास डीएल नहीं होने पर उनका चालान काटा, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। फिर इसके बाद इंस्पेक्टर GS यादव अपनी गाड़ी लेकर वहां से रवाना हो गए। हालांकि हंगामे के दौरान इंस्पेक्टर GS यादव पसीना पसीना हो गए और कहते रहे कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। इसके बाद भीड़ का हंगामा जब शांत हुआ तो ट्रैफिक कांस्टेबल कमलजीत ने गाड़ी सड़क से किनारे लगाकर उन्हें पानी पिलाया। करीब आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर की हालात सामान्य होने पर उन्हें भेजा गया।